हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आईटेल मॉडल, दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आईटेल IT2173, ये दोस्तों फुल शॉर्ट मोबाइल है। दिखाते हैं, मल्टीमीटर को लेना है दोस्तों, उसे बजट रेंज की रेंज में रखना है, वीक रेंज। ये देखिए दोस्तों, आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, अब देखिए चेक कर। ये देखिए दोस्तों, ये मोबाइल फुल शॉर्ट है। इस समस्या का कैसे सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, मोबाइल को ओपन करना है। मल्टीमीटर को लेते हैं दोस्तों, चेक कराते हैं। और ये देखिए दोस्तों, मोबाइल फुल शॉट दिखा रहा है। इस समस्या का कैसे सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, ये पत्ती है, इस पत्ती को हटाना है। हटाते हैं दोस्तों, वैसे तो आप दोस्तों इसे शॉटगन की सहायता से भी हटा सकते हैं। हॉट गन से मैं दोस्तों इसलिए नहीं हटा रहा हूँ, यहाँ आईसी लगी होती है, आईसी हीट हो और आईसी हीट हो तो मोबाइल डेड भी हो सकता है। अभी तो शॉर्ट है, पता चले फुल शॉर्ट हो जाए, सॉरी फुल डेड हो जाए। दोस्तों मुझे ये तो नहीं पता इसमें से कौन से कंपोनेंट शॉर्ट होगा, मगर ये बताया दोस्तों कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट होने पर ज़्यादातर कंपोनेंट कौन से शॉर्ट होते हैं, दिखाते हैं दोस्तों कौन से कंपोनेंट। चार कंपोनेंट होते हैं दोस्तों इसमें आईटेल IT2173 में, चार कंपोनेंट ज़्यादा शॉर्ट होते हैं दोस्तों। पहला कंपोनेंट यहाँ दिखा रहे हैं दोस्तों, फोटो के माध्यम से भी दिखा देंगे हम आपको। पहला कंपोनेंट ये जो आर वैल्यू रजिस्टर के पास में लगाया कैपेसिटर, ये शॉर्ट होता है। दूसरा कंपोनेंट दोस्तों ये शॉर्ट होता है जो इस आईसी के पास में लगाया, ये दिख रहा है। और तीसरा कंपोनेंट होता है दोस्तों ये वाला। चौथा कंपोनेंट दोस्तों ये छोटा सा दिख रहा है। इस चार कंपोनेंट से शॉर्टिंग आती है दोस्तों, देखते हैं। और दोस्तों कंपोनेंट हटाएं, अगर जिस कंपोनेंट से शॉर्टिंग ना आ जाए वो कंपोनेंट उसी जगह पे लगा दें दोस्तों। चेक करते हैं दोस्तों कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है।
ये देखिए दोस्तों, ये वाला कंपोनेंट फुल शॉट दिखा रहा है और दूसरा कंपोनेंट है ये भी दोस्तों फुल शॉट को दिखा रहा है। तीसरा ये भी दोस्तों फुल शॉट बता रहा है, ये भी फुल शॉट बता रहा है। ये दोस्तों इनसे शॉटिंग नहीं आती है, ये चेक करते हैं इनमें कोई भी नहीं आएगी ना इसमें आएगी दोस्तों, क्योंकि इन कंपोनेंट से ये शॉटिंग आती नहीं है ज़्यादातर। ज़्यादातर ये चार कंपोनेंट से शॉटिंग आती है दोस्तों, और कंपोनेंट चारों शॉट दिखा रहे हैं और चारों कंपोनेंट शॉट नहीं है, शॉट कोई एक ही होगा। पहला कंपोनेंट हटाते हैं दोस्तों, ये दोस्तों हॉटगन की सहायता से ही निकालते हैं कंपोनेंट, उससे निकलने में नहीं आ रहा है। ये जो आईसी के पास में है दोस्तों, इस पे हॉट गन से नहीं निकालेंगे, सिमटी से ही निकालेंगे हम। ये देखो पहला कंपोनेंट निकालते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों यहाँ से वो कंपोनेंट निकाल दिया है इस जगह से, आर वैल्यू रजिस्टर के पास में लगा था। अब चेक करते हैं शॉर्टिंग गई या नहीं, शॉर्टिंग अभी भी नहीं गई है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ये कंपोनेंट इसी जगह पे लगा देना है, अभी नहीं बाद में दिखाते हैं दोस्तों। अभी तो हम आपको शॉर्टिंग हटा के दिखाते हैं, बाद में हम लगाते रहेंगे, पहले इम्पोर्टेंट है शॉर्टिंग हटाना। अब दोस्तों सेकंड कैपेसिटर हटाएंगे, ये वाला दिखा रहे हैं क्योंकि वो आईसी के पास में है दोस्तों, इसलिए इतना ताम झाम करना पड़ा। और ये देखिए दोस्तों शॉर्टिंग इस वाले कंपोनेंट से हट चुकी है दोस्तों। सॉरी दोस्तों फोन आ रहा है, फोन हिट करता है। और ये देखिए दोस्तों शॉर्टिंग हट चुकी है, अब इसे ऑन करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों मोबाइल ऑन हो चुका है, और ये देखिए दोस्तों मोबाइल ऑन हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।